कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए देश में जारी लॉकडाउन के दौरान देश की जनता की परेशानियों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने गैर जरूरी दुकानों को खोलने के लिए गाइडलाइन जारी की है, जिसके बाद दुकानों और प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति दी गई है। लेकिन राजस्थान के दूसरे जिलों के साथ कोटा भी रेड जोन में शामिल है, ऐसे में यहां पर दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई। वर्तमान में दवा, किराना स्टोर और डेयरी की दुकानें ही खोली जाएंगी, तो वहीं हॉटस्पॉट इलाकों में इन दुकानों को भी बंद रखा गया है। वहीं मॉल, सिनेमा हॉल और दूसरे भीड़भाड़ वाली जगहों को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। लॉकडाउन काल का एक माह से अधिक समय हो चुका है। केंद्र सरकार ने देर रात एक गाइडलाइन जारी की है। उस गाइडलाइन के अनुसार दुकानों में 50% कर्मचारी ही काम करेंगे। मास्क अनिवार्य होगा, सैनिटाइजेशन करना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान खुलने वाली दुकानों का दायरा भी बढ़ाया है। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार देर रात एक नया आदेश जारी करते हुए कहा कि शहरी इलाकों में एक नया एक्ट जारी होगा और रजिस्टर्ड दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। गली मोहल्ले में जो दुकानें हैं उनको भी खोला जाएगा। जो बड़े मॉल हैं और जो बड़ी दुकानें हैं उनको बंद रखा जाएगा और जो एक ही ब्रांड की जो दुकानें हैं उनको भी बंद रखा जाएगा। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर है। भीषण गर्मी के बाद में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक आइटमों की आवश्यकता पड़ रही है। लगातार पंखे, कूलर और इनकी आवश्यकता होने के बावजूद भी इन चीजों की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पा रही है। जहाँ फैक्ट्रियां लगी हुई है वहां पर कर्मचारी तो काम कर रहे हैं, माल भी बना हुआ रखा है, परंतु लोडिंग और अनलोडिंग की जो समस्या है वो लगातार लोगों के सामने आ रही है। और जिस तरह से कोटा के जो हालात हैं, कोटा के हालात बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। कोटा को रेड जोन में घोषित किया गया है क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे थाना क्षेत्र है जहाँ पर महा कर्फ्यू की स्थिति बनी हुई है। तो कोटा को फिलहाल इससे, इस केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है इससे राहत मिलती नजर नहीं आ रही, क्योंकि केंद्र सरकार ने भी एक साफ दिशा निर्देश दिया है कि जहां पर अधिक हॉटस्पॉट बने होंगे, जहां पर कोरोना के अधिक पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं, वहां पर इस सेवा को चालू नहीं किया जाएगा। तो कोटा से अभी राहत की खबर नहीं है, फिर भी किस तरह से व्यापारियों और लोगों को सुविधा मिल पाती है ये देखने की बात होगी और जिला प्रशासन के लिए भी एक कड़ी चुनौती होगी कि किस तरह से इस गाइडलाइन का फॉलो किया जा सके। कैमरामैन दीपक के साथ राजेंद्र भारद्वाज, A1 के लिए कोटा। जोधपुर में लॉकडाउन को लेकर जारी नई गाइडलाइन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें खोली गई। सरकार के इस आदेश को लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि सरकार का यह फैसला अच्छा है, इससे आमजन को तो